वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल जो स्टैंड है हमेशा केंद्र के खिलाफ है। सीपीएम भी ऐसा ही करता था, टीएमसी भी ऐसी करती थी। चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर नहीं जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी को नहीं भेजते हैं, डीएम को नहीं भेजते हैं। और इस प्रकार जो केंद्र सरकार ने अभी 3 ऑफिसर को बुलाया है उसमें भी वही है, केंद्र का विरोध करना यहाँ की राजनीति है। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में और इनका ऑथोरिटी तो इनके हाथ में है, केंद्र के हाथ में है। जो बुलाना बुलाएंगे तो जाना ही है उनको, लेकिन ये एक प्रकार नकारना है केंद्र सरकार को। ये यहाँ की राज्य सरकार की एक पॉलिसी है, ममता बनर्जी की यही स्टैंड है। इसलिए इसमें एक कानूनी और अव्यवस्था निर्माण होता है, सांविधानिक अव्यवस्था निर्माण होता है और इसी से इनकी पॉलिटिक्स शुरू होती है। इसलिए केंद्र ने जब तय किया है उनको जाना है और लेना भी है उनको, क्योंकि इन सरकार ये जो ऑफिसर्स है इन्होंने जानबूझ करके ढिलाई दी सुरक्षा व्यवस्था में, इसके कारण ये परिस्थिति निर्माण हुआ है। ये कतई लोकतंत्र में कोई समर्थन नहीं कर सकता है। कानून व्यवस्था टूट चुकी है, उसका परिणाम है कि सर्वोच्च नेतृत्व का ऊपर भी शारीरिक आक्रमण होता है। बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है और ये सरकार जब तक यहां रहेगी इसकी परिवर्तन नहीं होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।